आज मैं बना रही हूँ ग्वार की फली। इनको मैंने अच्छे से धो लिया और अब मैं साफ करूँगी इनकी। जो ये डंडी है ना, ये और ये और ये सारी फलियां मैंने साफ कर ली हैं। इसमें से ये निकला है, अगर इसे नहीं निकालोगे तो ये दांतों में फंस जाएगा, इसलिए ये निकालना ज़रूरी होता है। चाहे तो आप उबाल के भी, इन फलियों को उबाल के भी बाद में इनको निकाल सकते हो, लेकिन मैं कच्चे में ही निकालती हूँ, कच्चे में ही साफ़ करती हूँ और फिर बॉयल करती हूँ। फिर बॉयल करके फिर बनाती हूँ। चलिए तो करते हैं अभी इनको बॉयल। कर दूंगी कुकर बंद। इसमें सीटी नहीं लगानी, बस थोड़ा भाप बन जाए तभी गैस बंद कर दो और उसके बाद कुकर खोल के देख लो। इसमें डालने के लिए मैंने 7-8 हरी मिर्च और लहसुन और इसमें अदरक का टुकड़ा डाल लेना। अब इन दोनों को ना, अदरक इसको लहसुन अदरक को तो मैं इसको मैं कूट के डालूंगी और इसको मैं हरी मिर्च को भी कट करके कूट करके डालूंगी चॉपर में। वैसे ज़्यादातर हरी मिर्च का ही टेस्ट अच्छा आता है, अगर आप डालना चाहें तो लाल मिर्च हरी मिर्च दोनों डाल सकते हैं, पर हरी मिर्च से बनाओगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इनको ठंडा कर लेंगे। अभी ठंडी हो गई है, मैं इनको निचोड़ूंगी। हल्का हल्का निचोड़ना, हल्का। निचोड़ लिए अब इसमें लाऊंगी मसाले, अब हरी मिर्च डालूंगी। तेल गरम हो गया, इसमें डालूंगी मैं जीरा। और डालूंगी थोड़ी सी हींग, हींग जरूर डालिए। अब डाल देंगे इसमें फलियां।
इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, और नमक, नमक स्वाद अनुसार डाला इसमें। थोड़ी देर इसको और ये हमारी फली तैयार।